हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे का या 9:30 का, और उससे पहले हम लोगों की जो चाय वगैरह है, किचन समेटना है, वो सब स्टार्ट हो गया था क्योंकि आज नेहा नहीं आने वाली है। तो इस वजह से जो भी काम है वो हमें मुझे करना पड़ेगा या खुशी को करना पड़ेगा, क्योंकि खुशी घर पर है आज, उसका कॉलेज नहीं है। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए कि आज उसकी छुट्टी है, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर छुट्टी जैसे बच्चों की नहीं होती और नेहा नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी छुट्टी करा लूं, चाहे गुड्डू हो चाहे खुशी हो, क्योंकि गुड्डू से भी सुबह के टाइम में बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे झाड़ू लगा दिया तो वो डस्टिंग कर लेगी, पोछा कर लेगी, वॉश बेसिन कर लेगी, और ऐसे ही खुशी का है। खुशी तो खैर सारा ही कर लेगी अगर मैं सारा ही छोड़ दूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो तो बोल रही थी झाड़ू मैं कर लूँगी, कोई नहीं ये वो। तो मैंने कहा ना ना, मैं भी करूँगी, तू भी करेगी, दोनों मिल के करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ये वाला रूम आ गई थी ठीक करने के लिए, सोफ़ा वगैरह, क्योंकि यहाँ पर शाम में ये लोग बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं ज़्यादातर, तो तन्मय ही बैठता है, तो थोड़ी बहुत देर उसको टीवी देखना होता है स्कूल से आने के बाद, और फिर शाम को ट्यूशन से आने के बाद फिर मैं उसको पढ़ने बैठाती हूँ, तो वो ही पूरा यूज़ करता है टीवी वगैरह का, बाकी लोग इतना नहीं देखते हैं। तो झाड़ू लगाना शुरू करूँगी मैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे छोले उबाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें सीटी लगेगी। अब इतनी जल्दी मुझे इसलिए है कि मुझे जाना है शॉप पे, तो शॉप पे जाना है तो जितने हम झाड़ू वाड़ू लगाएंगे इतने इसमें सीटी लग जाएगी और इसकी गैस निकल जाएगी। अगर मुझे शॉप पे ना जाना होता तो मुझे इतनी हड़बड़ी ना होती कि भाई मैं झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मैं छोले उबलने भी रख रही हूँ या कुछ और चीज़ कर रही हूँ, तब मुझे इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन वही है कि अभी कुछ और काम भी करना है, तो फिर ये भी देख के चलना पड़ेगा। अभी जैसे शॉप पे जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कर कर जानी पड़ती हैं। अगर हाँ वही वाली बात है, जैसे खुशी किसी दिन घर पर है तो मुझे इतना नहीं करना पड़ता, फिर मैं चली जाती हूँ काम वाम नहा वहाँ के जो भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ वो सब करके। लेकिन अगर खुशी नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो नहीं होती है, कॉलेज ही होती है, हाँ अगर सैटरडे है या संडे है या जैसे अभी उसका पिनाक चलेगा तो तब होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर डस्टिंग शुरू कर दी थी छोले रखने के बाद। डस्टिंग हमारे घर में क्या है ना, खिड़कियाँ झाड़ू से पहले ही होती है, लेकिन अभी जैसे गर्मी है, गर्मी में आंधी तूफान किसी भी टाइम आ जाता है तो वो धूल हर जगह हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी, अभी खिड़कियाँ तो डस्टिंग मतलब करूँगी करूँगी खिड़कियों से, लेकिन बेड और जो भी और सामान है वो भी साथ में अभी करूँगी। फिर क्या होगा, झाड़ू के बाद एक बार दोबारा से डस्टिंग होगी, वो हाथ का कपड़ा लेके डस्टिंग होगी अच्छे से, लेकिन अभी जो धूल है इन सामान पे वो हटा दूंगी, वरना झाड़ू के बाद इनसे हल्की हल्की धूल आएगी और फिर वो पोचे में बहुत गंदी लगेगी। तो यहाँ पे मैं हर एक कमरे में इस तरीके से डस्टिंग वगैरह कर दूंगी खिड़कियों की, और एक बार हो जाएगी झाड़ू के बाद। तो इस तरीके से गर्मियों में डस्टिंग रहती है, सर्दियों में इतना नहीं होता है लेकिन गर्मियों में बहुत होता है। एक तो ये गेहूं की कटाई, ऊपर से रोज़ शाम में हवा चल जाती है, आंधी तूफान चल जाते हैं, रोज़ नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन चली जाते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, और इतनी बारीक बारीक सी धूल थी इस कमरे में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर रोशनदान भी है और साइड देख लो खिड़की में कूलर वगैरह है और कागज़ भी लगा रखा है, गत्ता वगैरह, लेकिन फिर भी पूरी धूल आती है इस खिड़की से, देख रहे हो ना आप भी, हल्की हल्की महीन सी धूल। और बाकी जो बच्चे हैं गुड्डू तन में, उनका कूड़ा किया हुआ है, कुछ लिखेंगे कुछ हो जाएगा, वो उसका पेज फाड़ा सीधा नीचे। तन्मय भी बहुत करता है, गुड्डू तो फिर भी कम करती है, तन्मय करता है, उसको कितना भी आप डांट लो उसको आदत है, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। पर मैं डांटे बगैर भी नहीं रहती हूँ, डांटती भी मैं ज़रूर हूँ, वरना बच्चों को तो ऐसे आदत पड़ जाएगी। अभी वो घर पे नहीं है, वरना झाड़ू लगाते लगाते मेरा फुल लेक्चर चल रहा होता उन पर, और फिर वो पता क्या बोलते हैं, हे भगवान आज नहीं आंटी नहीं आई ना इसलिए मम्मी चीख रही है। मैंने कहा ये बात नहीं है, मेरे को तुम्हारी करतूतें दिख रही है ना, मैं इसलिए चीख रही हूँ। तो यहाँ पर फिर बस झाड़ू लगाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ बाहर तक, और यहाँ पर झाड़ू लगाने का मतलब होता है कि हे भगवान शुक्र झाड़ू लग गया है। देखो अब महीने में 3-4 बार ये काम करना पड़ता है तो बोरियत आती आती है, और थोड़ा कभी कभी लगता है कि यार शॉप पे जाना है, देर हो रही है, तो वो चीज भी होती है ना। बाकी जब ऊपर था तो इतना नहीं होता था। देखो अभी चीजें थोड़ी सी तो चेंज हुई है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आए भी थे जब शॉप बन रही थी कि रश्मि बहुत परेशानी होगी, कैसे मैनेज करोगी ये वो। तो देखो परेशानी तो होती है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बढ़िया चल रहा है ये वो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार तो जैसे आज नेहा नहीं आ रही, तो ऐसे हबड़ दबड़ हो रहा था यार शॉप पे भी पहुँचना है और टाइम से पहुँचना है जो टाइम है, लेकिन फिर भी 1 घंटा लेट हो गया था। 11 बजे पहुँचना था, 12 या 12:30 पहुँचे थे मैं और खुशी, दोनों हम गए थे।
तो अभी यहाँ पे ना क्या है ना, मिट्टी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पे धोना ज़रूरी हो जाता है। अब जब यहाँ पे धुलता है तो दो चार मग्गे लेके, और वैसे भी कल तो हल्की सी बारिश आई थी तो वो सारे में अजीब अजीब सा कर गई, तो यहाँ तक धोना ही पड़ेगा। मेरा मन तो था पूरा बरामदा धो दूँ, लेकिन वही टाइम की कमी है। हाँ, कुछ कमेंट्स आते हैं, यहाँ तुलसा जी रखी हुई है, आप धो रहे हो। मेरे घर में तुलसा जी सिर्फ इसी जगह चली है, वरना कहीं पर भी तुलसा जी चली नहीं। मैं दोबारा से एक बार फिर जगह चेंज करके देखूंगी, क्या पता ये मैंने धारणा बना ली हो कि यहीं चली है, कहीं और भी चल जाए। तो पोछा भी शुरू कर दिया है, डस्टिंग भी हो गई है दोबारा वाली, और साथ साथ ना खुशी ने वो चोपर में मसाला वगैरह करना भी शुरू कर दिया था। वो तो बोल रही थी नहाने चले जाओ, पोछा मैं लगा लूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं लगा लूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है यार बच्चे से नहीं कराऊंगी, जितना होगा उतना कराऊंगी, कम नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं सारा छोड़ दूंगी। फिर मैं मम्मी से बात करने लगी थी पोछा करते करते, क्योंकि मैंने कहा अभी टाइम मिला है। फिर मम्मी भी मतलब बिजी बिजी तो नहीं होंगी मम्मी, लेकिन कई बार मुझे लगता है मम्मी सो ना गई हो, मैं उन्हें डिस्टर्ब ना कर दूँ, तो मैंने कहा अभी कर लेती हूँ, अभी तो मम्मी काम वाम में लगी होंगी या उनका तो हो भी गया होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इस कमरे में पोछा लगाना शुरू कर दिया था, और अच्छा भी लगता है कई बार ये सब काम करना, हमें अपने घर के कोनों का पता चल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप किसी और काम में बिजी होते हो या कोई काम का दूसरा प्रेशर होता है, फिर ये काम करना पड़े तो ये लगता है भाई यार अब ये भी करना पड़ेगा। और हाथ ना पता है झाड़ू हमारी बहुत गंदी हो रखी है इन दिनों, मैं उसे बोल रही हूँ झाड़ू ले, वो झाड़ू नहीं ला रही, ऐसी डंडा सी झाड़ू हो रही थी जैसे मैं डंडे से झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब उसमें वो नहीं बचा जो झाड़ू लगाने वाला होता है, पता नहीं आप समझे नहीं समझे। तो सारा काम हो गया था, उसके बाद बनाने शुरू छोंकना शुरू कर दिया था छोलों को, सीधा बाथरूम से सीधा कढ़ाई पे। मैंने कहा यार पहले छोले छोंकते हैं फिर दूसरे कामों में लगेंगे, या मतलब जाने की तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी चावल छोंकेंगे, चावल में सीटी लगेगी, और सीटी चावल छोंक आधा घंटा पूरा लगेगा, जो कि 10 से 15 मिनट जो है सीटी निकलने में भी लगेगी। तो फिर जो है चावल छोंके, छोले छोंके, छोले तो हो ही चुके हैं, दूसरी साइड गैस पे चावल छोंकने की तैयारी शुरू कर दी थी। खुशी ने फटाफट चावल साफ करके दे दिए थे, तो हम दोनों क्या करेंगे, सीटी निकल जाएगी ना तो हम दोनों खाकर निकलेंगे। और वो लोग जो है, मैंने पता है आप सोच रहे होंगे कुकर कैसा हो रहा है अंदर से, मैंने इसी में छोले उबाले हैं ना, तो बस इसको मैंने पानी से धोया है और सीधा मैंने इसमें चावल छोंक दिए हैं, सिंक में नहीं रखा था ये, अगर मैं सिंक में रख देती तो मैं इसको साबुन से धोती। हाथ हाथ में मैंने लिया और सीधा टंकी के नीचे रख के हाथ हाथ में उससे पानी से धो के सीधा गैस पे रख दिया था। हाँ, अगर एक बार सिंक में लग जाता है ना फिर मेरा मन नहीं मानता, फिर मैं जूने से धोती हूँ इसको। तो आज मेरा मन था कि मैं जीरे से छौंकू चावल, और फिर मैंने जीरा डाला, फिर मैं अभी नमक भी डालूंगी इसमें। तो मेरा मन कर रहा था नमकीन नमकीन से चावल खाने का, जीरे वाले हमारे घर बनते हैं ना वो वाले। तो यहाँ पे बस मैं पानी का अंदाज़ा कर रही थी कि कितने गिलास चावल है, उसके अकॉर्डिंग मैं पानी डालती हूँ। जैसे 1 गिलास चावल बना रही हूँ तो 1.5 गिलास पानी, 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो 2.5 गिलास पानी, और 1.5 गिलास बना रही हूँ तो 2 गिलास पानी, लेकिन उससे मैं हल्का सा 2-3 घूंट फालतू डालती हूँ। कई बार मेरे ना इस वाली चीज पे लोग हंसे हैं, रश्मि 2-3 घूंट कैसे नापती हो, तो ऐसे ही अंदाजे से तो इस तरीके से करती हूँ, थोड़ा सा फालतू डालती हूँ। जैसे 1 गिलास में 1.5 गिलास जाएगा ना तो उससे 2-3 घूंट फालतू कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस चावल भी छोंक दिए थे और छोले भी छोंक दिए हैं, धनिया भी डाल दिया है, बढ़िया छोले चावल बन चुके हैं। बहुत दिनों बाद आज हमारे घर में छोले चावल बने हैं, तो अभी छोले चावल खाएंगे, लेकिन अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी तो कुकर में सीटी है, उसका वेट करेंगे निकलने का। तो अभी चावल में सीटी है, छोले तो बन चुके हैं, हमने सोचा खा पी के ही जाएं, क्योंकि वहाँ जाके फिर मुझे खाने का टाइम नहीं मिलेगा। आज मैंने अपनी ये कुर्ती पहनी है क्योंकि आज मुझे बहुत ही ढीले ढाले वस्त्रों की आवश्यकता है, तो इस वजह से मैंने अपनी ये कुर्ती पहनी है। दूसरे वाली प्रेस पे गई हुई है, और भी जो एक दो हैं वो प्रेस पे गए हुए हैं, तो इस वजह से ये पर्दे ऊपर लगने हैं, धुले हैं, पता नहीं कब लगेंगे, विपिन को बोला था, अब देखते हैं कल लगवाते हैं उनसे। मैंने इसके नीचे ना मैरून कलर का प्लाजो पहना है और मैरून कलर का ये दुपट्टा ले लिया है, तो अभी चलते हैं, सोच रहे हैं खाना खा के जाएं, क्योंकि ना तो सीटी निकली है तो ना तो हम उसको टिफिन में डाल के ले जा सकते हैं ना खा के जा सकते हैं, तो वेट करना पड़ेगा। विधि पहुंच चुकी है शॉप पे, तो जाऊंगी। यार ये नेहा की वजह से थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है, इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, और थोड़ी सी 1 घंटे हमसे देरी हो गई, 1-1.5 घंटे, वरना हो जाता। तो क्योंकि हमारी भी गलती है, ऐसा नहीं है कि हमारी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है। तो अभी वेट करते हैं 10-15 मिनट, खाना भी ऐसे खाऊंगी ना भगड़ 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 में, क्या कर सकते हैं, खुद की चुनी हुई लाइफ है क्या कर सकते हैं। है खुशी, वो तो इसकी छुट्टी थी तो काफ़ी सहारा लग गया मुझे, बहुत ज़्यादा इस लड़की का सहारा है मुझे, बहुत ज़्यादा। अगर ये घर पे होती है तो मैं घर से फ्री होती हूँ और मैं कहीं भी चली जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, जो मेरी प्रोग्राम्स होते हैं
या कुछ प्रोग्राम्स तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि मुझे रहता है खुशी है, खुशी सब मैनेज कर लेगी। ऐसा नहीं है कि नेहा आ रही है तो कुछ काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेहा के साथ भी जो हमें देखनी पड़ती है, खुद देखना पड़ता है खड़े होके। तो मेरे को रहता है हाँ, अब मुझे गुड्डू ना छोटी लगने लगी है फिर से। जब खुशी नहीं थी तब मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, खुशी गुड्डू और तन्मय को मैं छोड़ के चली जाती थी, बहुत बार गई हूँ, चाहे मैं दिन के दिन आ गई हूँ, चाहे मैं 4-5 घंटे के लिए गई हूँ, पर मैं गई हूँ। लेकिन जब से खुशी आई है तब से मुझे गुड्डू छोटी लगने लगी है, तब से मुझे लगता है मैं गुड्डू को छोड़ के कैसे जाऊँ। और पहले मैं गुड्डू को छोड़ के गई हूँ, गुड्डू और तन्मय को, दोनों को गुड्डू के भरोसे मैं छोड़ के जाती थी। नेहा आ रही होती थी पीछे, नेहा भी खैर फैमिली मेम्बर जैसी है, उससे मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, आस पड़ोस में पूरी फैमिली है, यहाँ कुछ डर नहीं है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। लेकिन फिर भी घर का जैसे चीज़ें देखनी होती हैं तो पहले मैं गुड्डू के ऊपर छोड़ के चली जाती थी। अभी खुशी आ गई है तो मेरे को लगता है यार गुड्डू छोटी है, नहीं खुशी है घर में, तो मैं उसके ऊपर, मैंने कहा नहीं खुशी है घर पे, देख ले। खुशी के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि घर तो वो सारा पूरा देखती देखती है, लेकिन जैसे खाना बनाना हो या हम बाहर से आ रहे हों तो हमें ये टेंशन नहीं होती यार बना के लेके जाएं, ओ सॉरी बना बनाया लेकर आएं होटल से, या फिर कैसे करें, या जाकर बनाना पड़ेगा, नहीं ये अपने आप ही बना के रखती है, या फ़ोन करके पूछ लेगी, या कुछ भी जैसे बनाना हुआ वो कर लेगी, तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो बहुत सारा हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेरे को ये हो रहा है जल्दी जल्दी गुड्डू भी फटाफट फटाफट, पर वो ना थोड़ी सी काम में है, वो खाना बनाने से बचती है, पता नहीं बना पाएगी नहीं बना पाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हाँ जैसे बर्तन वर्तन बोल दो कर देती है, संगमेटना बोल दो कर देती है, जैसे नेहा नहीं आ रही पोछा लगा देगी, डस्टिंग कर देगी, वॉश बेसिन कर देगी, ऐसे ऐसे काम वो कर देती है, पर खाने से वो बचती है, खाना नहीं बना सकती, कढ़ाई कुकर भी नहीं मंजते, तो उन चीज़ों से वो बचती है। हाँ जी, हाय गाइस, ब्लैक वाइट, बट मैंने मैरून भी पहना है, मुझे पता है आप लोग नाराज होते हैं इस चीज़ से, तो चलो मैंने काफी सारे, हाँ ये प्योर वाइट नहीं है पर आएगा तो वाइट भी, यार मेरे को ढीले ढाला पहनना था इसलिए पहना। तो अभी मेरे को मेकअप भी करना है, सिंदूर तो मेरा लगा हुआ है, हल्की सी बिंदी लगानी है, लिपस्टिक लगानी है, और फिर खाना खाना है और निकलना है। तो बस मैं 10 मिनट इस फोन को देख लेती हूँ, सुबह से इस फोन में गुड मॉर्निंग भी नहीं किया। तो आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। जीरे वाले चावल बनाए थे आज मैंने, मेरा मन कर रहा था जीरा डाल के बनाने का और हल्का सा नमक, और ये हैं छोले, थोड़ा सा घी डाल लिया, बस खाते हैं। आप लोग भी खा लो, फिर चलना आप लोग भी मेरे साथ, मैं भी चलूँगी। ये अचार है, मिक्स अचार, यहाँ से दिखा रही थी ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक याद आ गया पता नहीं क्यों, तो ये मिक्स अचार। सी गाइस, ये औरत फर्स्ट टाइम दुल्हन रूप में आई है, धूप तो हो रही है पर और अभी तो कुछ भी नहीं, जुलाई आने दो, हम बिल्कुल टीकम टीक दोपहरी जिसको कहते हैं। क्या दिन है भाई, एक तो पहले ही काले और काले हो जाएंगे, अब मैं तो छांव में जाऊंगी बाहर बाहर से, इससे तेज तो बुग्गी पहले चली जाएगी। बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शॉप पे पहुंची, शॉप पे पहुंचने के बाद मेरे कस्टमर आ गए थे, 10-15 मिनट ही हुए थे, मतलब मैं सेटिंग वेटिंग ही कर रही थी कि ये आ गए थे, इनको अटेंड करने लगी हूँ, उसके बाद हमारी पैकिंग शुरू होगी क्योंकि कोरियर निकलने हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि यहीं से लोग मुझे जानते हैं, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा से ही रश्मि शर्मा को पहचान मिली है, रश्मि कलेक्शन भी यहीं आने के बाद बना है, तो ये लोग भी मुझे मेरे वीडियोस के ज़रिए ही जानते थे। हाँ फिर उसके बाद इनकी मेरी पहले भी बात हो चुकी है, ये पहले भी मीनाक्षी जी ले चुकी हैं ड्रेस वगैरह, तो अभी ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर जो है ये मतलब शॉप पे ये फर्स्ट टाइम आया है। कई बार कस्टमर आते हैं तो वो कम्फर्टेबल नहीं होते हैं वीडियोज़ में या रील्स में, मुझे रील्स का होता है, अगर वो रील्स में कम्फर्टेबल होते हैं तो कई बार मैं उनको ब्लॉग में ले लेती हूँ, पर पूछ के लेती हूँ भाई किसी को बुरा ना लग जाए। तो चलो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कल मिलते हैं।